तो आज हम बात करेंगे शेरशाह के गोदाम के एक स्कैम के बारे में, जहाँ पे जो है हमारे साथ एक स्कैम हुआ जो कि खलील भाई के हाथों से ही हुआ, जो कि हमारा मोबाइल जो है डील के अंदर एक ख़राब निकला था। तो वो खैर उन्होंने सही तो करा, लेकिन जो है बड़ा गलत सीन हुआ ये। भाई के साथ जा रहे हैं मोबाइल ले लें, और एक मोबाइल तो हमने ले लिया, ये खैर ये तो पुराना वाला है। अबे यार ये जो चीज सीन है ना, यहाँ पे फ्लैट हो जाता हूँ, एक पूछा पूरा ब्लर हो गया तेरा मोबाइल, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। हाय हाय हाय, अच्छा सा है ये सीन है। चेक कर लेना आगे पीछे, चेक कर लिया, कर ले यहीं पीछे। तो हमारे साथ स्कैम ये हुआ कि भाई ये जो मोबाइल थे 10,000 में दो मोबाइल, इसमें एक मोबाइल बिल्कुल ख़राब था, और जब वो हम वापस कराने गए तो उन सब के रवैये कुछ अलग ही थे। रवैयों में गुस्सा था मुझसे, काफ़ी वीडियोस उन लोगों ने डिलीट करवाई उनके लड़कों ने कि ये वीडियो आप डिलीट करो, वो वीडियो आप डिलीट करो, ताकि उनकी पोल आगे तक। लेकिन भाई हम लोग सच बोलते हैं, जो पहले अच्छा हुआ हमारे साथ तुमने अच्छा बताया, जो हमारे साथ बुरा हुआ वो हमने आप लोगों को बुरा बताया। ये मोबाइल उज़ैफा अकेले जाके लेकर आया था, जिसके अंदर बैटरी का प्रॉब्लम था, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, टच सही नहीं चल रहा था, स्क्रीन बिल्कुल स्मूथ नहीं थी, यानी काफ़ी सारे मसले थे। लेकिन ये वीडियो जो है मैंने जैसे तैसे करके बचा ली थी, बाकी वीडियोज़ उन लोगों ने मुझे बिल्कुल भी बचाने को नहीं दी। उन्होंने कहा कि यहाँ से पीछे होकर चेक करो, क्योंकि रश लगा हुआ था, और हम इनके मोबाइल को बोल रहे थे कि भाई ये मोबाइल जो है सही नहीं है। तो शेरशाह गोदामों का ये सीन है कि जब भी आप कोई चीज़ लो तो वहीं आ के चेक करो, और वहीं तसल्ली हो तो उसके बाद चेक करना। ये जो लड़का इस काउंटर के पीछे बैठा हुआ था, इसने सारी वीडियो डिलीट करवा दी थी, लेकिन ये एक वीडियो थी जो मैंने बचाई और मैंने सेव कर ली थी, तो ये वीडियो बच गई थी। बाकी ये मोबाइल बैटरी लगाने के बाद भी नहीं चल रहा था, तो फिर जो है हमने उनसे काफ़ी बहस हुई, काफ़ी जिद बहस, जिसकी मैंने वीडियोज़ बनाई थी, लेकिन वो हाथ के हाथ उन लोगों ने मुझसे डिलीट करवा दें। तो कभी भी शेरशाह से मोबाइल लो तो हमेशा उसको वही चेक करो। तो हमेशा इस चीज़ को याद रखें कि जब भी शेरशाह से कोई मोबाइल आप लें तो उसको वहीं हाथ के हाथ चेक करें, उसके बाद पैसे दें। अगर आप चेक करने से पहले पैसे दे देंगे तो फिर उसके बाद आपके पैसे जो है डूब जाते हैं, क्योंकि मोबाइल जो है ये ऐसी चीज़ है कि पहले चेक की जाती है उसके बाद ली जाती है। हमारा दोस्त उज़ैफा, उसको पहले एक मोबाइल पसंद आ गया था, तो उसने वो फ़ौरन पैसे दिए और घर आ गया था। जैसे तैसे करके हमने थोड़ा सा वहाँ पे जिद बहस करके एक मोबाइल, तो मैं यही कहूँगा सबसे कि भाई ये डील वाले स्कैमों से बचें और सोच समझ के किसी भी डील में हाथ मारें। मानता हूँ यहाँ पे मोबाइल बहुत सस्ते और अच्छे मिल जाते हैं, हमने भी लिए, जो चीज़ हमारे साथ अच्छी हुई वो चीज़ हम अच्छी बताएँगे। तो लेकिन ये मोबाइल उन्होंने हमें दूसरा चेंज करके दिया था, वो मोबाइल की वीडियो जो है उन्होंने डिलीट करवा दी थी, लेकिन उस मोबाइल में भी लाइन थी, जो कि लाइन उन्होंने चेंज करके नहीं दी। तो बस ये है कि जब भी यहाँ से मोबाइल लें तो हमेशा चेक ज़रूर करें पहले ही, ताकि जो है आप अपने पैसे सेव कर सकें। तो बस ये हमारी जो गलती थी मैंने आप लोगों से डिस्कस करी। बाकी ये है कि मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाकी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।